आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद, जय जवान, सभी को गुड मॉर्निंग। काफ़ी लोग हमारे पास कॉल करके पूछ रहे हैं 22 की NCC भर्ती प्रक्रिया कब होगी। हम उन लोगों से बोले कि बाबू वीडियो बना देंगे, आप लोग जब इतना कॉल कर रहे हैं तो लग रहा है वीडियो बनाना पड़ेगा। 2022 की NCC भर्ती प्रक्रिया कब होगी, कमेंट सेक्शन में भी मैसेज आया था कि भैया 2022 की NCC भर्ती प्रक्रिया कब होगी और क्या क्राइटेरिया होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करके जाना है तो तुरंत चले जाइए, उससे हमको कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग NCC करना चाहते हैं वह लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग अगर इंटर फर्स्ट ईयर से NCC लेना चाहते हैं, NCC 3 जगह से मिल सकता है आप लोगों को। आप जब कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, कक्षा 8 पास कर लिए हैं तो 9th में मिलेगा। अगर 9th पास कर लिए हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, अगर 9th में पढ़ रहे हैं, 9th में NCC नहीं ले पाए, तो आप लोग वेट कीजिए, हाई स्कूल पास कीजिए। हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर फर्स्ट ईयर में जब आप लोग एडमिशन लिखवाएंगे कक्षा 11 में, तब आप लोगों को NCC मिलेगा। अगर उसमें भी आप लोग NCC पाने में असफल रहे तो फ्रेंड्स, तो फिर आप 12 पास कीजिए, तब BM लीजिए। अगर BM भी नहीं मिला तो फिर BSc में लीजिए। तो BSc में लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा BSc में लेने से। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए, कि मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए आप लोग कक्षा 9 से ही NCC लीजिए। जो लोग कक्षा 9 से NCC लेते हैं उनको अच्छा ड्रिल भी हो जाता है, ड्रिल भी अच्छा सीख लेते हैं और काफ़ी फ़ायदा होता है उन लोगों के लिए। सीनियर बनने का मौका मिलता है, सीनियर अंडर ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, जो कि जो लोग 11 से लेते हैं उनको काफ़ी कम मौका मिलता है सीनियर अंडर ऑफिसर बनने के लिए। हम कक्षा 11 से NCC लिए हैं, तो कक्षा 11 से NCC लेने का हमारा रीज़न यही था कि हम तो 9th से ही NCC लेने वाले थे, लेकिन 9th कक्षा 9th हम अपने गांव से पढ़े हैं तो वहां पे NCC का प्रोसेस नहीं था, NCC का कोई भी वहां पे प्रचलन नहीं था। लेकिन हम उसके NCC के बारे में काफ़ी दिनों से हमको पता था। तो अभी फ़िलहाल में हम गोरखपुर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर में NCC कर रहे हैं, इंटर फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश कीजिए कि NCC कक्षा 9 से ही आप लोगों को मिल जाए। अगर कक्षा 9 से ही मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग अच्छा ड्रिल करते हैं तो सीनियर अंडर ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। और अब यहाँ तक तो रह गई बात कि मतलब कौन सी क्लास में NCC लें, तो बता दिए कौन सी क्लास में आप लोग NCC ले सकते हैं, कौन सा क्लास अच्छा रहता है। कक्षा 9 सबसे बेस्ट रहता है NCC लेने के लिए। अब रही बात भर्ती प्रक्रिया की, क्या भर्ती प्रक्रिया है, तो भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस हर एक कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, हर एक कॉलेज में अपना अपना क्राइटेरिया रखते हैं लोग। क्या हाइट क्राइटेरिया क्या रहेगा, वैसे तो मैक्सिमम रूल के तहत 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, लेकिन 157 सेंटीमीटर किसी भी कॉलेज में नहीं लिया जाता है, जो कि आजकल कंपटीशन का ज़माना हो गया है, काफ़ी बच्चे NCC ले रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि बचपन से ही आप लोगों की हाइट ज़्यादा रहेगी तो फ़ायदा रहेगा। तो NCC भर्ती प्रक्रिया में वैसे तो मतलब कोई परफेक्ट हाइट क्राइटेरिया नहीं है NCC में, मैं खुला दावा के साथ बोल रहा हूँ कि NCC में कोई परफेक्ट NCC की हाइट क्राइटेरिया है, लेकिन लेते नहीं है लोग, ठीक है। 157 सेंटीमीटर है रूल के तहत, लेकिन नहीं लेते हैं लोग, क्योंकि अभी 157 सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत बच्चे हैं सब भर्ती होने के लिए, तो जिसके वजह से हाइट क्राइटेरिया बढ़ जाता है। तो हाइट क्राइटेरिया बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जिस कॉलेज में जितना ज़्यादा भीड़ लगता है उस कॉलेज में जनसंख्या के हिसाब से NCC की हाइट प्रक्रिया को बढ़ा दी जाती है, 170 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम अगर आपकी हाइट 170 है तब तो आप कहीं भी सिलेक्शन हो जाएंगे। हाइट क्राइटेरिया में 170 सेंटीमीटर है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी।
और रही बात दौड़ की, तो दौड़ प्रक्रिया 1600 मीटर होती है और इसमें टाइम नहीं देते हैं लोग, किसी भी कॉलेज में टाइम नहीं दिया जाता है। जो बच्चे एक साथ 10 की संख्या में बच्चों को छोड़ा जाता है, 20 की संख्या में छोड़ा जाता है, 30 की संख्या में छोड़ा जाता है, हमारे कॉलेज में काफ़ी भीड़ होता है, तो इस कॉलेज में इस बार की भर्ती प्रक्रिया का वीडियो है हमारे पास, हम अपलोड करेंगे। और 30 एक साथ 30 बच्चों को छोड़ा जा रहा था, जिसमें 6 बच्चे 7 बच्चे आगे से पकड़े जा रहे थे। तो आप लोग कोशिश कीजिए 5 मिनट में मारने की कोशिश कीजिए, 1600 मीटर आपका आ जाए कम से कम 5 मिनट, 5 मिनट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 से ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत होगा, नहीं पकड़ पाएंगे आप लोग। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 5 मिनट आए आप लोगों की रनिंग प्रक्रिया 1600 मीटर का, तो आप लोग अगर 5 मिनट आता है 1600 मीटर रनिंग की, तो आप लोग कहीं कहीं सिलेक्शन हुए जाएंगे। और अब आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब दौड़ की बात हो गई तो पुलअप, पुलअप का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी कॉलेज में होता है किसी कॉलेज में नहीं होता है। तो और सीटअप, अब आ गया सीटअप की बात, तो सीटअप बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग, मेरे कॉलेज में तो अभी 60 लिए थे लोग, 60 सीटअप। सीटअप समझते हैं, बैकअप जो ऐसे करके मारते हैं, ज़मीन पर सो कर मारते हैं, उसको सीटअप बोलते हैं। तो 60 वो मरवाए थे मेरे कॉलेज में, 60 सीटअप बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप लोग अगर अभी तक सीटअप नहीं मार रहे हैं तो सीटअप मारना स्टार्ट कर दें, और सीटअप मारना स्टार्ट कर दें। अब रही बात बीम की, पुशअप जो ज़मीन से ऐसे सो कर मारा जाता है, तो पुशअप, पुशअप भी 40-50, कम से कम 50, 50 तैयारी किए हैं तो 40 तो मार ही देंगे। हाइट हो गया, दौड़ हो गया, सीटअप हो गया, पुशअप, पुशअप, पुशअप 10 लेते हैं लोग, पुलअप 10 लेते हैं लोग, पुशअप 60, पुशअप, पुशअप भी 50-60 के आसपास में लेते हैं लोग, और पुशअप 10, पुलअप 60 और पुशअप 10। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई, और जब पूरी पूरी भर्ती प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद आपकी आँख चेक की जाती है। आँख चेक में मतलब ऐसे आँख मरवाते हैं लोग, देख लिए मतलब मैं नॉर्मल देख रहा हूँ, ऐसे आँख मरवाते हैं ऐसे ऐसे। तो इसको आप लोग मतलब मजाक में ना लीजिएगा, आँख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग उस समय आँख नहीं मार पाते हैं, ऐसे आँख नहीं मार पाते हैं, मतलब दोनों आँख मारना रहता है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है? तो मतलब इसको सीरियसली लीजिएगा, मजाक में ना लीजिएगा, आँख मरवाते हैं लोग। अगर आप पूरी भर्ती प्रक्रिया देख लिया, हाइट में पास हो गए, हाइट में, रनिंग में, चेस्ट में, पुशअप में, पुलअप में, सब में पास हो गए, अगर आँख में रह गए, आँख में ऐसे टिनमरा दिए, दोनों एक साथ मार दिए, या ये नहीं मार पा रहे हैं सही से, ऐसे ऐसे नहीं मार पा रहे हैं, मतलब सही से नहीं मार पा रहे हैं, तो फिर आप छट जाएंगे, तो आपकी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। और रही बात पूरा हाथ भी चेक हो, ऐसे ऐसे करके हाथ चेक होता है, ऐसे करके हाथ चेक होता है, जो कि काफ़ी ऐसे मतलब पूरा चेक होता है, ऐसे ऐसे चेक होता है। और आपकी उंगलियां चेक होती हैं, नीचे पैर की उंगलियां चेक होती हैं, पैर की कोहनी जो है, ठेहुना जिसको हम लोग ठेहुना बोलते हैं, ये भी चेक होता है, और ठेहुना चेक होता है, मतलब पूरी शारीरिक योग्यता चेक हो जाने के बाद तब जाके आती है बारी परीक्षा की। तो तुरंत बैठाकर परीक्षा लिया जाता है, हर एक कॉलेज का अपना अपना रूल होता है, लेकिन मेरे कॉलेज का जो रूल है मैं उसको बता रहा हूँ। मेरे कॉलेज में पहले शारीरिक योग्यता हो जाती है, तब लिखित परीक्षा तुरंत होती है, जस्ट 10-10 मिनट फ्रेश, उसके बाद तुरंत बैठिए, आधे घंटे की पेपर होती है, आधे घंटे में आपको आता है, कभी कभी 20 क्वेश्चन आता है, कभी 10 क्वेश्चन आता है, और पूरा आपको करना रहता है। क्वेश्चन में वही आता है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज से आता है, मैथमेटिक्स से आता है, और इस बार मेरे कॉलेज में आया था जनरल नॉलेज से ही। एटीएम का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ज़रूर आता है, कुछ आए या ना आए फुल फॉर्म पक्का आएगा, 101% मैं कह रहा हूँ, फुल फॉर्म हर एक लिखित परीक्षा में आता है, मतलब एनसीसी की लिखित परीक्षा में कन्फर्म आता है फुल फॉर्म। तो जब भर्ती प्रक्रिया आएगी तो मैं
लिखित परीक्षा का तो डाल दूंगा, लेकिन आप लोग शारीरिक परीक्षा शारीरिक योग्यता की तैयारी करते रहिए। शारीरिक योग्यता की तैयारी किए रहेंगे तो लिखित परीक्षा की जब नज़दीक आएगी, 1-2 महीने रहेगी, तब लिखित परीक्षा का मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। क्या क्या आएगा, फुल फॉर्म ज़्यादा आता है और जनरल नॉलेज आता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है वीडियो, और तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। और अगर यह वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जितने भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय जवान। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।